कैसे आप सभी लोग आज फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि हमने चार्ट पर दिखा रखा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। तो एक्चुअल में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती क्या है? मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये जज करती है कि अगर आपकी कोई कंपनी है, पर्टिकुलरली आपकी इंडिविजुअल कोई कंपनी है या आपकी कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, तो आप मार्केट में चाहते हैं कि पैसा मार्केट में चाहते हैं कि आप मार्केट से पैसा लें, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली तो कोई पैसा देगा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास जाना रहेगा। वो आपकी आपकी कंपनी की रेटिंग देगी। उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा हल्का सा किस क्राइटेरिया पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज काम करती है, ठीक है। तो आज फ्रेंड्स इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने स्टार्ट में दिखा रखा है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, तो सबसे पहले आप सभी लोगों के मन में सवाल आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एक्चुअल में होती क्या है। तो वो मैं हल्का डिस्क्राइब करता हूँ आपको एक लोकल एग्जाम्पल लेके। सपोज आप जहाँ भी रहते हैं, नियर बाई में आपके किराने की शॉप होगी, अगर आप किराने की शॉप पे जाते हैं सामान परचेस करने के लिए, तो शॉप ओनर आपको इजी वे में उधार में किराने का सामान दे देता है, ठीक है। क्योंकि उसको आप पे फेथ है, उसको पता है कि मैं अगर इसको किराने का सामान दूंगा उधार में तो मेरा पैसा कहीं डूबेगा नहीं, इजी वे में मेरा पैसा आ जाएगा। अब कोई अननोन पर्सन जाता है उसी किराने की शॉप पे सामान लेने के लिए, तो शॉप ओनर उसको साफ मना कर देगा, क्योंकि उसको पता है मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, और अगर मैंने इसको उधार माल दे दिया तो कल को मेरे पैसे आएंगे ही नहीं आएंगे, उसकी क्या गारंटी है, ठीक है। ये हल्का सा एग्जाम समझ लीजिए। तो इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट, ये एक होगी बहुत छोटे लेवल की बात, एक बड़े लेवल की बात अब अपन करने जा रहे हैं। जैसे सपोज कोई कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, अब वो मार्केट में जाएगी पैसा लेने के लिए, तो उसे पैसा कौन देगा? कोई नई कंपनी, स्टार्टअप कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी भी आप समझ लीजिए, तो मार्केट में वो जाएगी पैसा लेने के लिए, उसे पैसा कौन देगा? तो वो क्या करेगी, भाई लोगों को विश्वास भी तो होना चाहिए ना। आज आप मार्केट में जा रहे हो, आपकी नई कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, आप बोलोगे भाई मार्केट में मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, या कंपनी ने शेयर और डिबेंचर्स मार्केट में इशू करे, तो उनके शेयर और डिबेंचर्स परचेस कौन करेगा? वो परचेस करने के लिए कंपनी को क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ती है कि हाँ हम पे आप फेक करिए, आपका पैसा कहीं डूबेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। सपोज कोई बड़ी कंपनी है, उसने शेयर कोई बड़ी कंपनी है वो मार्केट में लॉन्च हो रही है, और वो मार्केट में शेयर्स और डिबेंचर्स इशू कर रही है। शेयर और डिबेंचर आप जानते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैपिटल को मार्केट से कैपिटल अर्न करने के लिए। मतलब अगर किसी कंपनी को ग्रोथ करनी है तो मार्केट से कैपिटल कैसे लेके आएगी, वो शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करेगी, उनके शेयर्स और डिबेंचर्स परचेस कौन करेगा? आज सपोज आपके पास में 1 लाख 2 लाख के 10 15 20 लाख रुपए हैं, ठीक है। आप कोई कंपनी मार्केट में आती है, वो बोलती है कि मेरे शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करिए, तो आप करेंगे क्या? आपको पता है स्टार्टअप कंपनी, कल को मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, मेरा पैसा लेके भाग सकती है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने, सेबी ने कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनाई है, जिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम ये होता है कि वो कंपनी को एनालिसिस करती है, कंपनी के लॉसेस के बेस पे, कंपनी का रीपेमेंट बेस पे, कि कंपनी का रीपेमेंट कैसा है, कंपनी के रिस्क कितने हैं, कंपनी के डेटर्स कितने हैं, ठीक है। वो सब एनालिसिस करने के बाद में कि कंपनी ने लोगों से पैसा लिया है, वो टाइम पर चुकाया है या नहीं, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए वो एक कंपनी को एक रेटिंग देती है। उस रेटिंग के बेस पे मार्केट में जो भी कॉर्पोरेट कंपनी होती है उसको आसानी से पैसा मिल जाता है, और वो सारी जो क्रेडिट एजेंसीज है वो सेबी से रजिस्टर्ड होती है। तो जैसा कि मैंने चार्ट में शो कर रखा है कि रिस्क मोर इंटरेस्ट रेट मोर, ठीक है। तो जिस भी कंपनी में रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा क्रेडिट रिस्क इवेल्यूएट, किसी भी कंपनी
में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप क्या करेंगे, उसका क्रेडिट रिस्क इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी यही करती है, क्रेडिट रिस्क इवेल्युएट करती है कि कंपनी का लोन रीपेमेंट कितना है, कंपनी का लोन रीपेमेंट कितना है, कंपनी ने कितना सेव किया हुआ है, उन सब बेसिस पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कंपनी को रेटिंग देती है, और उस बेसिस पे ही कंपनीज को बैंक से लोन मिलता है, या कंपनी जो मार्केट में शेयर और डिबेंचर्स इशू करती है वो इजी वे में बायर परचेस कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो सब सेबी से रजिस्टर्ड होती है, सेबी ने उसको अथोराइज किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मेजर फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में शो कर रखा है कि प्रोवाइड रेटिंग, ये रेटिंग प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का मेन फोकस ही होता है वो रेटिंग प्रोवाइड करवाती है आपको। ठीक है, अब मेजर फंक्शन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, तो ये रेट कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटीज और एडिकेसी ऑफ कैश फ्लो। मतलब मोटा मोटा फ्रेंड्स हम समझना चाहें तो जो भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, सारी क्रेडिट रेटिंग करवाती है, क्योंकि उसी बेस पे उन कंपनियों में पर्सन इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स, जो भी शेयर मार्केट में डीलिंग करते हैं पर्सन्स, और जो भी डिबेंचर्स और बॉन्ड परचेस करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो सब क्रेडिट रेटिंग को देख के ही इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कितनी है। ठीक है, दूसरा आता है फ्रेंड्स एडिकेसी ऑफ कैश फ्लो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जब किसी कंपनी क्रेडिट रेटिंग करती है तो एडिक्विटी ऑफ कैश फ्लो, मतलब उसकी उस कंपनी में कैश फ्लो कितना है। ठीक है, मतलब कैश का मूवमेंट कितना है, वो चीज़ें देखी जाती है। तीसरा फ्रेंड्स आता है टॉपिक हेल्प द पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन। चौथा पॉइंट है प्रोवाइड ए सॉलिड बेसिस फॉर रिस्क एंड रिटर्न। जब भी कोई कंपनी किसी कंपनी जब भी कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करती है तो सबसे पहले वो ये चीज़ एनालिसिस करती है कि इसमें रिस्क और रिटर्न कितना है। मतलब ये सपोज आज उस कंपनी में आप क्या आपने शेयर परचेस कर लिए या डिबेंचर्स या बॉन्ड परचेस कर लिए, तो जो भी पर्सन उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिस्क और रिटर्न कितना है, वो सब चीज़ें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एनालिसिस करती है। उसके बाद में फैसिलिटी द प्रोटेक्शन ऑफ अर्निंग, मतलब आज उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में आपने उस कंपनी में आपने आज इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, तो फ्यूचर में उसमें जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी सिक्योरिटी क्या अब गारंटी है कि वो कंपनी आगे चलेगी, आपका पैसा जो लगा हुआ है वो डूबेगा नहीं, इस बेस पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको रेटिंग देती है। तो ये तो फ्रेंड्स होगी क्रेडिट रेटिंग के रिगार्डिंग बात। ठीक है, और अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। तो जो मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इंडिया के अंदर उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेजर टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अगर सिंपल वे में हम समझना चाहें, अगर आपको मार्केट से उधार पैसा लेना है तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के थ्रू। उसी बेस पे आपको बैंक से उसी बेस पे आपको बैंक से उधार मिलेगा। आप मार्केट में शेयर्स इशू करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे, बॉन्ड इशू करेंगे, उसी बेस पे आपको उनके थ्रू पैसा मिलेगा। क्योंकि कोई भी पर्सन जो इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा आपकी कंपनी के अंदर से कंपनी के अंदर वो इन चीज़ों को फोकस करेगा कि आपकी क्रेडिट रेटिंग कितनी है। तो अब हम फ्रेंड्स जा रहे हैं टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए, वो है कि इंडिया में कितने प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वर्क कर रही है और टॉप 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन सी है। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पे आती है क्राइसल। क्राइसल फ्रेंड्स, क्राइसल का पूरा जो नाम है वो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो क्राइसल का नाम काफ़ी पर्सन ने सुना होगा। आज आप बैंक में जाते हैं
बैंक वाला आपको जो क्रेडिट कार्ड देता है वो किस बेस पर देता है? आपका क्रेडिट स्कोर के बेस पर देता है, हाँ, कि इस पर्सन ने कोई भी बैंक से लोन लिया हो या उसका रीपेमेंट उसने टाइम से किया है, ठीक है। तो बैंक भी आपको कोई क्रेडिट कार्ड देता है तो वो ऐसे ही नहीं देता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है कि आप कितने लायबल हो लोन्स के प्रति, कि आपने बैंक से जो पैसा लिया है, कोई लोन्स लिया है तो कुछ चुकाया किस तरीके से, टाइम टू टाइम पेमेंट भरा है नहीं भरा है। तो अब आप देख लीजिए, छोटी सी चीज़ को देने के लिए भी आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, ठीक है। तो जब आप कॉर्पोरेट लोन लेने जाएंगे मार्केट में, कोई आपकी बड़ी कंपनी है और मार्केट से आप पैसा उठाएंगे डिबेंचर और बॉन्ड्स के थ्रू, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे में है, और ये सेटअप कब हुआ था फ्रेंड्स, 1987 को फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, मतलब सबसे पहले जो इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आई थी वो कैसल ही थी, ठीक है। सेकंड वन आता है फ्रेंड्स केयर, केयर का फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ये क्राइसल के बाद में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ठीक है। और इसका सेटअप कब हुआ था फ्रेंड्स, 1973 के अंदर। ये प्रमोटेड बाय यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, कैनरा बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रमोटेड है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है फ्रेंड्स, ये भी बॉम्बे में ही, इसका हेड ऑफिस हेडक्वार्टर बॉम्बे में ही है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आती है फ्रेंड्स इकरा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इसका सेटअप कब हुआ था फ्रेंड, 1991 में, और लोकेशन क्या है, गुड़गांव, गुरुग्राम, हरियाणा। चौथे नंबर पे आती है फ्रेंड्स सिमिला, इसका जो फुल फॉर्म है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया। इसका सेटअप कब हुआ था, 2005 में, और सेटअप बाय सिडबी, हेड ऑफिस बॉम्बे। तो जैसा कि मैंने चार क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में आपको बताया, ये इंडिया की टॉप 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है। और अगर आप की कोई फर्म है, आप कोई कंपनी है, ठीक है, आप बहुत बड़े वर्क लेवल पे काम कर रहे हो, कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ठीक है, और आप चाहते हो फंड रेस करना, फंड जुटाना चाहते हो, तो आपको अपनी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बिहाफ पे, ठीक है। तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जब आपकी कंपनी को रेटिंग देगी कि हाँ नहीं, कंपनी ने लोन्स लिए हैं वो टाइम पे दिए हैं, ठीक है, कंपनी का रिपेमेंट शेड्यूल काफ़ी अच्छा है, कंपनी जो भी मार्केट से इन्होंने पैसा लिया है वो टाइम पे चुकाया है, उस बेस पे ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपकी कंपनी को रेटिंग देगी, और उसी रेटिंग के बेस पे आप मार्केट से फंड जुटा सकते हैं, ठीक है। और मार्केट से फंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड के थ्रू मार्केट से फंड रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फेथ की बात आ जाती है। अब अननोन कंपनी के लिए ये सबसे अच्छा एक वे है जिससे आप फंड रेस कर सकते हैं अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज मैंने आप सभी लोगों को बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, ठीक है। और ये सारी जो तो रेटिंग एजेंसीज है सेबी से रजिस्टर्ड है। अगर आप चाहते हो आपके बिजनेस में ग्रोथ हो और आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस बूम पे आए, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, और फंड की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल किस तरीके से करेंगे भाई? आप मार्केट, नई कंपनी या मार्केट में जाओगे कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे तो कौन देगा आपको पैसा? पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको अपनी कंपनी का क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। इजी वे में आपको मार्केट से अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। वे आप मैंने आपको बता ही दिए हैं कि शेयर्स इशू करिए मार्केट में, डिबेंचर्स लाइए, बॉन्ड्स लाइए, उस पर बेस पे आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपकी कंपनी काफ़ी नई है तो आपको जो पैसा मिलेगा वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, और अगर आपकी कंपनी काफ़ी पुरानी है, मार्केट में थोड़ी बहुत भी गुडविल है, तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में जो मैंने डिस्कस किया है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, तो इंडिया में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो टॉप लेवल पर वर्क कर रही है, ठीक है। और आज आप किसी बैंक में जाते हो
लोन लेने के लिए है। तो जैसा कि आपका सिविल स्कोर चेक होता है, ठीक है, तो आपका पुराना जो चिट्ठा है वो खोल के देखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी यही हो रहा है। तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी फर्म है, वो मार्केट से पैसा गेन करने के लिए इसी वे का यूज़ करती है, अपनी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग करवाती है और उसी भी आप पे वो मार्केट से फंड जुटाती है। ठीक है, ये फ्रेंड्स हो गई इंडिया लेवल की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। और इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके लिए एक अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है। जैसे सपोज यूएसए का कोई बंदा है, यूके का कोई बंदा है, वो चाहता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना, तो उसके लिए भी अलग से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बनी हुई है। उन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम ये होता है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टर चाहता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना, तो वो वहाँ से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से पता करता है कि उस देश की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, ठीक है, वहाँ की अर्निंग सोर्स क्या है, वहाँ इनकम के सोर्स क्या है, वहाँ की जो भी जीडीपी है वो क्या है ना, और वहाँ पर्सन इनकम कितनी है, वो सब चीज़ों को एनालिसिस करके और वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो आप कभी आपने सुना होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वो इसी बेस पे होता है। सारा काम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का ही होता है, इन्हीं के बेस पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं। क्योंकि आज यूएसए का बंदा है, उसे क्या पता कि इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज है, और इंडिया में अगर सपोज उसे पता भी है तो यहाँ के फाइनेंशियल कंडीशंस क्या चल रही है, यहाँ की इन्फ्लेक्शन रेट क्या है, यहाँ की जीडीपी रेट क्या है, ठीक है, और डॉलर के मुकाबले रुपया की कंडीशंस क्या है, वो सब चीज़ें, या वो जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी रेटिंग क्या है। तो ओवरऑल देखा जाए फ्रेंड्स, तो कोई भी इन्वेस्टर्स, कोई भी छोटा इन्वेस्टर्स हो या बड़ा इन्वेस्टर्स हो, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हो, वो भी अगर किसी देश की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो सबसे पहले वो क्रेडिट रेटिंग ही चेक करेगा, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो चाहे इंडियन इन्वेस्टर्स हो। क्योंकि उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो ग्राफ होता है उससे ये शो हो जाता है कि कंपनी कितनी लायबल है अपने रीपेमेंट के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और जो नॉर्मल पर्सन है वो इजी वे में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आऊँगा, जो नेक्स्ट मेरे टॉपिक्स आएंगे वो रिलेटेड टू कॉमर्स से होंगे और रिलेटेड टू शेयर मार्केट से होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।